नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो पे लगातार बने रहिए क्योंकि ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल हम सभी की जरूरत बन चुकी है और महंगे से महंगे मोबाइल का शौक भी, लेकिन खो जाने का डर सबको लगा रहता है। यहाँ बात सिर्फ महंगे फोन की नहीं बल्कि उसमें जरूरी दस्तावेज जिसका मिसयूज ना हो, शायद इसका डर ज़्यादा बना रहता है। जिस प्रकार पर्स के खो जाने से उसमें कितने पैसे थे ये मैटर नहीं करता, बल्कि उसमें जो जरूरी दस्तावेज थे उसकी ज़्यादा चिंता होती है। तो ऐसी ही समस्या से निजात पाने के लिए गूगल ने 11 दिसंबर सन 2013 को गूगल फाइंड माई डिवाइस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, लेकिन यह पब्लिकली नहीं था। कुछ वर्षों में इसे पब्लिकली कर दिया गया है। अभी हाल ही में 20 अगस्त 2021 को इसमें अपडेट किया गया है। तो आइए जानते हैं ये एप्लीकेशन आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला तो आपने जिस मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उससे लॉग इन करने का आएगा, लेकिन आपको अपना खोया हुआ मोबाइल वापस चाहिए तो आपको साइन विद गेस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, वही ईमेल आईडी जो खोए हुए मोबाइल में चल रही थी। उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर क्या, जैसे ही आप क्लिक करते हैं पासवर्ड डालने के बाद, तो आपका मोबाइल गूगल ट्रेस कर लेगा कि आपका खोया हुआ मोबाइल कहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए GPS सिस्टम का ऑन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके मोबाइल में कौन सा सिम कार्ड है, आपके मोबाइल की कितनी परसेंट बैटरी बची है, आपका IMEI नंबर क्या है, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही क्लिक करने में बता देगा। साथ ही रेज डिवाइस का इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल का जो डेटा है वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा और साथ ही साथ वो मोबाइल कचरे के बराबर हो जाएगा, उस मोबाइल का वो कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें। उससे पहले ये जानकारी कितनी सही है और कितनी त्रुटिपूर्ण है इसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें, और हमसे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये जानकारी और लोगों में भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। धन्यवाद।